हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लैब्स ऑन टीके एजुकेशन। आज देखो मॉक टेस्ट 13 प्रैक्टिस करवा। जो मैंने पूर्व मॉक टेस्ट गुड़िक देखी ना, प्लीज जाके निहाते देखी नि आपण मानक प्राक्ट हो। बहुत क्वेश्चन आंसर आपण मैंने क्लीयरली बुझीपारे। जदि आपण मानक मॉक टेस्ट गुड़िक भल लगे प्लीज गोटे गोटे निहाते लाइक करने। चलो आउ डेरी करें, क्लास टी स्टार्ट करदे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1200 बढ़े 16 वर्ष लगे कोणार्क मंदिर गढ़ी। यही वाक्य रेखांकित पद गुड़िक के प्रकार विशेषण? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी पूरणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक ना ऑप्शन डी व्यवस्थावाचक। देखो 1200 एवं 16 वर्ष एमाने होचंते गोटे गोटे संख्यावाचक विशेषण पद हो। यार करेक्ट आंसर टी हूँ ऑप्शन सी संख्यावाचक। एबे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्वागत संधि विच्छेद कले कौन है? ऑप्शन ए स्वयुक्त आगत, ऑप्शन बी स्वयुक्त गत, ऑप्शन सी स्वयुक्त आगत ना ऑप्शन डी सुयुक्त आगत। स्वागत को संधि विच्छेद कले ऑप्शन डी सुयुक्त आगत। स्वागत सु को उच्चारण करंतु उ साउंड सूची एवं आगतर प्रथम अक्षर टी होची आ। उ रे जेतेबेले आ मिसी जैथाय वा रे परिणत होइथाय, सेथिपई देखंतु स्वा स्वा हेगला। स्वा को उच्चारण कले वा साउंड सूची ना बुझि परचंती वा, सो एहार करेक्ट आंसर टी हिजिबो ऑप्शन डी सुयुक्त आगत। मु बथे पूर्व मॉक टेस्ट रे भूल कहि देथिले, बाय मिस्टेक बेले बेले भूल हे जाय, सुयुक्त आगत कहितिले जोटा कि संपूर्ण रूपे भूल हबो। ऑप्शन ए मध्ये भूल हबो, ऑप्शन डी भूल हिजिबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। एबे क्वेश्चन नंबर 3 देखंतु, मु 10 टंकारे ए बही किनिली, रेखांकित पदटीर विभक्ति निर्णय कर। ऑप्शन ए द्वितीया, ऑप्शन बी तृतीया, ऑप्शन सी पंचमी ना ऑप्शन डी षष्ठी। मु 10 टंकारे ए बहीटी किनिली, टंकारे तळे अंडरलाइन अछि, ताले टंकारे रे अछि माने कोन हबो? तृतीय विभक्ति हबो नहले सप्तम विभक्ति हबो। ऑप्शन रे त सप्तम विभक्ति नाही, त एहार करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन बी तृतीय विभक्ति। माने मु 10 टंकारे माने 10 टंका द्वारा ए बहीटी को किनिली 10 टंकारे, बुझि परचंते? सेथि यार करेक्ट आंसर टी गला ऑप्शन बी तृतीया। करण कारक रे तृतीय विभक्ति होइथे, ऑप्शन ए देखंतु द्वितीया, कर्म कारक रे द्वितीय विभक्ति होइथे, ऑप्शन सी देखंतु पंचमी, उपादान कारक रे पंचमी विभक्ति होइथे, सेहि परि भाबरे ऑप्शन डी देखंतु षष्ठी, संबंध कारक रे षष्ठी विभक्ति होइथे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 4 देखंतु, क्वेश्चन नंबर 4 देछि, सुध शब्दटि चिन्हट कर। ऑप्शन ए रजगुण, ऑप्शन बी रजगुण, ऑप्शन सी रजगुण, ऑप्शन डी रजगुण। ताले सुध शब्दटि हि जीव ऑप्शन बी रजगुण। ज रे ओकार लागिव मन रखिनेबे, र जरे ओकार लगे तपर गे हर्षुकाण से रजगुण। देखु जदि से क्वेश्चन पचार था रजगुण रजगुण को संधि विच्छेद कले कौन हो? रजगुण को संधि विच्छेद कले रज युक्त गुण मिसले हूँ रजगुण हो। ओके मन रखिनेबे, ऑप्शन ए रजगुण हबनी, ऑप्शन सी रजगुण हबनी, ऑप्शन डी मध्ये हेबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 5, गोठो खंडिया एही रूढ़ीटर अर्थ कौन? ऑप्शन ए असामाजिक व्यक्ति, ऑप्शन बी गोष्ठी रु अलग, ऑप्शन सी उभय, ऑप्शन डी निर्बोध। गोठो खंडिया रूढ़ीटर अर्थ होउछि ऑप्शन ए असामाजिक व्यक्ति बा ऑप्शन बी गोष्ठी रु अलग। यार करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन सी उभय। उभय दुईटी जाक ठीक अछंती, गोठो खंडिया रो अर्थ होइजबो असामाजिक व्यक्ति बा गोष्ठी रु अलग। ऑप्शन डी निर्बोध हबन, निर्बोध होउछि गब्बर गणेशर अर्थ होइजबो निर्बोध बा मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखंतु, वाक्यर प्रत्येक अंश को कौन कहुए? ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी अक्षर। वाक्यर प्रत्येक अंश को पद बोली कहुए, यार करेक्ट आंसर टी होउछि ऑप्शन ए पद। शब्द एवं पद मधे मु आपण मान डिफरेंस कहिथिलि। देखंतु जदि कोनसे एक शब्द वाक्यर व्यवहृत होइगला ताको गोटे पद बोली कहुए। गोटे एग्जांपल नै जाउछि जहाँ फल आपण माने शब्द एवं पद मधे पूरा क्लियर होइजिबे। पिलाटी पड़िया रे खेलुछि, देखंतु पिलाटी गोटे पद, पड़िया रे सेही परि भाबरे आउ गोटे पद, खेलुछि मध्ये सेही परि भाबरे गोटे पद। जदि से खाली देइथांदा पिला, पिला होउछि गोटे शब्द होइथांदा, किंतु ए पिलाटी जेतेबेले एक वाक्यरे व्यवहृत होइगला पिलाटी पड़िया रे खेलुछि सेतेबेले पिला होउछि गोटे पद होइगला, बुझिगला? जेतेबेले गोटे शब्द वाक्यरे व्यवहृत होइथाय ताको पद बोली कहुआइथाय, ताले वाक्यर प्रत्येक अंश को कौन कहुआइबो? गोटे गोटे पद बोली कहुआइथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखंतु, चित्रटि केडे सुंदर, एहा की प्रकार वाक्य? ऑप्शन ए विवृति सूचक, ऑप्शन बी प्रश्न सूचक, ऑप्शन सी आदेशात्मक ना ऑप्शन डी विस्मय सूचक। चित्रटि केडे सुंदर माने बुझि परचंदे आश्चर्य भाव प्रकाश होउछि, सेथिपई ये होउछि गोटे विस्मय सूचक वाक्य हिजबो। एहार करेक्ट आंसर टी होउछि ऑप्शन डी विस्मय सूचक वाक्य। ऑप्शन ए विवृति सूचक वाक्य हबनी, ऑप्शन बी प्रश्न सूचक हबनी, कि ऑप्शन सी आदेशात्मक वाक्य मध्ये हेबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 8, इच्छाकृतर विपरीत शब्दटी कौन?
ऑप्शन ए स्वच्छाकृत, ऑप्शन बी अनिच्छाकृत, ऑप्शन सी अनिच्छाकृत, ऑप्शन डी अनिच्छाकृत। इच्छाकृतर विपरीत होइजबा अनिच्छाकृत, किंतु ऑप्शन बी सी डी केउटी हबो तार करेक्ट आंसर टी होइजबा ऑप्शन बी अनिच्छाकृत। इच्छाकृत अनिच्छाकृत मन रखिनेबे। ऑप्शन सी रे जो अनिच्छाकृत देइछे सेटा भूल होइजबा, देखंतु 6 देइछे सिंपल 6 हबनी, द्वितीय 6 हबो। ऑप्शन डी रे देखंतु 9 रे दीर्घिकार देइछे, सेथि पय ऑप्शन डी मध्ये एलिमिनेट होइजबा। ऑप्शन ए त टोटली हबनी स्वच्छाकृत। एबे क्वेश्चन नंबर 9 देखंतु, चूड़ार सठिक अर्थटी कौन? ऑप्शन ए धानरु प्रस्तुत खाद्य द्रव्य, ऑप्शन बी आंब, ऑप्शन सी शिखर, ऑप्शन डी केउटी नुहे। चूड़ार सठिक अर्थटी हिजिबो ऑप्शन ए धानरु प्रस्तुत खाद्य द्रव्य, सेटा होची चूड़ा। चरे हर्षुकार डार अर्थ होची धानरु प्रस्तुत खाद्य द्रव्य। ऑप्शन बी आंब हबनी, ऑप्शन सी शिखर। चरे दीर्घउकार डरे आकार डार अर्थ होची शिखर बा अग्रभाग, बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 10 देखंतु, अरण्यर प्रतिशब्द केउटी? ऑप्शन ए पावक, ऑप्शन बी विपिन, ऑप्शन सी बासव, ऑप्शन डी खग। अरण्यर प्रतिशब्द टी हिजबा ऑप्शन बी विपिन। विपिन, कानन, अरण्य, वन एमाने होउचंती गोटे गोटे अरण्यर प्रतिशब्द। ऑप्शन ए देखंतु पावक, पावक होउची अग्निर प्रतिशब्द। ऑप्शन सी देखंतु बासव, बासव होउची इंद्रंकर प्रतिशब्द। ऑप्शन डी देखंतु खग, खग होउची पक्षीर प्रतिशब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखंतु, देखिबार इच्छा एहाकु एक पदरे प्रकाश कले कोन हेबो? ऑप्शन ए दिदृख्या, ऑप्शन बी दिच्छा, ऑप्शन सी जिगिसा, ऑप्शन डी सुश्रुषा। देखिबार इच्छा को जदि एक पदरे प्रकाश करा जाय ताले हिजबो दिदृख्या। एहर करेक्ट आंसर टी होउछ ऑप्शन ए दिदृख्या। ऑप्शन बी देखंतु दिच्छा, दान करिवार इच्छा होउछ दिच्छा। ऑप्शन सी देखंतु जिगिसा, जय करिवार इच्छा होउछ जिगिसा। ऑप्शन डी देखंतु सुश्रुषा, सुनिबार इच्छा को सुश्रुषा बोली कह जाय थाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 12, उपमान और उपमेय मध्यरे अभेद, एडा अबढा दे भूल अछि अभेद हबो। अभेद कल्पित होई समास हेले ता की समास होए? ऑप्शन ए रूपक कर्मधारय, ऑप्शन बी उपमान कर्मधारय, ऑप्शन सी उपमित कर्मधारय, ना ऑप्शन डी उपमेय कर्मधारय। उपमान और उपमेय मध्यरे अभेद कल्पित होई समास हेले ताकु रूपक कर्मधारय बोली कह जाय थाय। ऑप्शन ए होउछि हर करेक्ट आंसर। ए होउछि रूपक कर्मधारय रे डेफिनेशन, मन रखिनेबे। तार गोटे एग्जांपल नै जिबा, विद्यारत्न, विद्यारत्न होउछि गोटे रूपक कर्मधारय समास हिजबो। देखंतु विद्यारत्न रो समास वाक्य टि हिजबो विद्या रूपक रत्न, सेटा होउछि विद्यारत्न। विद्या होउछि एठारे उपमेय, रत्न होउछि एठारे उपमान। काहे कि विद्या एठारे उपमेय हला? काहे कि ना विद्या को रत्न सहित तुलना करा जाइछि, विद्या रो रत्न सहित तुलना होइछि। जहाँ को तुलना करा जाय से उपमेय, जहाँ सहित तुलना करा जाय रत्न सहित तुलना करा जाइछि, सेथि पई रत्न होउछि एठारे उपमान। एबे क्वेश्चन को देखंतु, उपमान उपमेय मध्ये अभेद कल्पित होइ अभेद, अभेद माने बुझि पारछन्ते? माने भेद कोनोसे रहिबोनि, डिफरेंस तांक मध्ये किछि रहिबोनि। विद्या रूपक रत्न, जे विद्या रत्न, विद्या जहाँ विद्या को रत्न सहित तुलना करे छि, विद्या जहाँ रत्न से, एमानक भितरे कोनोसे डिफरेंस रहुनि, सेथिपाई ये होउछि गोटे रूपक कर्मधारय हिजबो। विद्या उपमेय एवं रत्न उपमान मध्ये कोनोसे भेद थिला परे जणा पडु नाही, सेथिपाई विद्या रत्न होउछि गोटे रूपक कर्मधारय समास हिजबो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, क्वेश्चन नंबर 13, नाही पत्नी जहार, एहार समस्त पदटी कोन हेबो? ऑप्शन ए विधवा, ऑप्शन बी बी पत्नीक, ऑप्शन सी बी पत्नीक, ऑप्शन डी स पत्नीक। नाही पत्नी जहार, एहार समस्त पदटी हिजबो ऑप्शन बी बी पत्नीक। नरे दीर्घिकार हिजबो, नरे हर्षिकार हबनी, जोटा कि संपूर्ण रूपे भूल हिजबो। एहार करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन बी बी पत्नीक। ऑप्शन ए विधवा हबनी, ऑप्शन डी स पत्नीक मध्य हेबो नाही। जदि से क्वेश्चन पचारथांदा बी पत्नीक कि प्रकार समास, आमे तो जानिगले बी पत्नीकर समास वाक्य बा विग्रह वाक्य टी होउछि नाही पत्नी जहार। जहार थिले मु आपण मानकु कोन कहितली? जहार थिले बहुव्रीहि समास होइथाय, जहार थिले बहुव्रीहि समास होइथाय कहितली मु आपण मानकु। मु आशा करूछि आपण मानकर मने थिबो निहाती, किंतु नाही अछि तो एटा की प्रकार बहुव्रीहि हिजबो? निषेधार्थक बहुव्रीहि हिजबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 14, दुश्चिंता संधि विच्छेद कले कोन हेबो? ऑप्शन ए दुःयुक्त चिंता, ऑप्शन बी दुःयुक्त चिंता, ऑप्शन सी दुःयुक्त चिंता, ना ऑप्शन डी दुःयुक्त चिंता। दुश्चिंता को संधि विच्छेद कले हिजबो ऑप्शन बी दुःयुक्त चिंता, सेटा होची दुश्चिंता। ऑप्शन ए दुःयुक्त चिंता हबनी, ऑप्शन सी दुःयुक्त चिंता हबनी, किबा ऑप्शन डी दुःयुक्त चिंता मध्य हेबो नाही। दुःयुक्त चिंता मिसिले होची दुश्चिंता, विसर्ग रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखंतु, हरिण शीघ्र दौड़ी पारे केउटी क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण पद कोन? जिए क्रिया को विशेषित कर पार्थिव सेटा होची क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए हरिण, ऑप्शन बी शीघ्र, ऑप्शन सी दौड़ी, ऑप्शन डी पारे। करेक्ट आंसर टी जानिबा पूर्वरु आगे देखंतु वाक्य रे क्रिया पद केउटी।
हरिण शीघ्र दौड़ी पारे एही वाक्य रे क्रियापदटी होउछि दौड़ी पारे दौड़ीबा होउछि गोटे क्रिया सेथिपाई दौड़ी पारे होउछि गोटे क्रिया ए क्रियापद को किए विशेषित करछि किए विशेषित करछि ना के किपरे दौड़ी पारे शीघ्र दौड़ी पारे शीघ्र होउछि गोटे विशेषण पद हेगला एही विशेषण पदटी काहाकु विशेषित करछि ना दौड़ी पारे क्रिया को विशेषित करछि सेथिपाई एहार करेक्ट आंसर टी हिजबा ऑप्शन बी शीघ्र होउछि गोटे क्रिया विशेषण पद ऑप्शन ए हरिण हबनी सी दौड़ी हबनी डी पारे मध्य हेबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 देखंतु विप्सार्थक अवय काहाकु कहंती ऑप्शन ए संभावना अर्थ सूचित करथवा पद ऑप्शन बी जेउ पद बारंबारता को प्रकाश करे ऑप्शन सी मनर भाव प्रकाश करथवा अवय ऑप्शन डी जहां वाक्यर निषेध सूचित करे एहर करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन बी जेउ पद बारंबारता को प्रकाश करे ताकु विप्सार्थक अवय पद बोली कहा जायथे गोटे एग्जांपल ले जाउछ बारंबार से होउछ गोटे विप्सार्थक अवय हिजबो आउ कोन हिजबो थरकु थर मध्य गोटे विप्सार्थक अवय पद हिजबो ऑप्शन ए देखंतु संभावना अर्थ सूचित करथुवा पद एहाकु संभावना सूचक अवय पद बोली कहा जिवो ऑप्शन सी देखंतु मनर भाव प्रकाश करथुवा पद एहाकु भाववाचक अवय पद बोली कहा जायथे भाववाचक अवय ऑप्शन डी देखंतु जहां वाक्यर निषेध सूचित करे एहाकु निषेधार्थक अवय पद बोली कहा जिवो निषेध सूचित करे सेतिपे निषेधार्थक अवय भाव प्रकाश करूची सेतिपे भाववाचक अवय संभावना अर्थ प्रकाश सूचित करूची सेतिपे संभावना सूचक अवय पद हेगला ऑप्शन ए ऑप्शन बी देखंतु बारंबारता को जेहेतु प्रकाश करूची सेतिपे ये होची गोटे विप्सार्थक अवय पद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 देखंतु तद युक्त पर इक्वल टू डैश ऑप्शन ए तत्पर ऑप्शन बी तत्पर ऑप्शन सी तत्पर ऑप्शन डी तत्पर एहार करेक्ट आंसर टी हिजिव ऑप्शन ए तत्पर तद युक्त पर इक्वल टू तत्पर मन रखिनेबे ऑप्शन बी हेबनी सी हेबनी किंबा डी मध्य हेबो नाही तद युक्त पर तत्पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 देखंतु दर्शन रे थिबा धातुटी कोन ऑप्शन ए दर्श ऑप्शन बी दृश ऑप्शन सी द्र ऑप्शन डी सबु गुडिक एहार करेक्ट आंसर टी हिजिव ऑप्शन बी दृश दर्शन रे दृश धातु थाए दर्शन को संधि विच्छेद कले हिजिव दृस युक्त अन मिसिले हिजिव दर्शन दृस होउछि एठारे धातु एवं अन होउछि प्रत्यय नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 देखंतु छात्र माने छात्री मानक अपेक्षा परीक्षा रे भलो करिछन्ति रेखांकित पद गुडिक केउ प्रकार विशेष्य ऑप्शन ए वस्तुवाचक ऑप्शन बी गुणवाचक ऑप्शन सी नामवाचक ना ऑप्शन डी जातिवाचक छात्र माने तळे अंडरलाइन अछि एवं छात्र मानक तळे अंडरलाइन अछि ताहाले देखंतु छात्र एवं छात्री एमाने होउछन्ते गोटी ओटे जातिवाचक विशेष्य पद हिजबो ऑप्शन डी होउछि हर करेक्ट आंसर छात्र छात्री एमाने होउछन्ते गोटी गोटी जातिवाचक विशेष्य पद हिजबे ऑप्शन ए वस्तुवाचक विशेष्य वस्तुवाचक विशेष्य कोन जेउ विशेष्य पदटी वस्तुर नामक बुझाइ थाय ताकु वस्तुवाचक विशेष्य बोली कहा जाय थाय ऑप्शन बी देखंतु गुणवाचक जेउ विशेष्य पदटी गुण को सूचित करथाय ताकु गुणवाचक विशेष्य पद बोली कहा जिवो ऑप्शन सी देखंतु नामवाचक जेउ विशेष्य पदटी कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्तिर नाम देशर नाम जातिर नाम आदि अर्थ को सूचित करथाय ताकु नामवाचक विशेष्य पद बोली कहा जिवो एठी किंतु सिंपल छात्री माने देछि छात्री एवं छात्र तळे जेहेतु अंडरलाइन अछि एमाने होउछन्ते छात्र छात्री बालक बालिका एमाने गोटी ओटी जातिवाचक विशेष्य पद हिजिवो एमाने नामवाचक विशेष्य पद हेबे नाही काहेकि ना कोनोसी छात्रीर पर्टिकुलर ना देइनी किंबा कोनोसी छात्रर गोटे निर्दिष्ट नाम देइनी जदि निर्दिष्ट नाम देइथांता ताहाले नामवाचक विशेष्य होइथांते कि जेहेतु निर्दिष्ट नाम देइनी छात्री छात्र देइछि सेतिपई एमाने होउछन्ते गोटी ओटी जातिवाचक विशेष्य पद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 देखंतु कहार पुषमास कहार सर्वनाश एही लोकवाणीटीर अर्थ कोन ऑप्शन ए संकुचित परिवेश रे बढ़ीतिबा व्यक्ति ऑप्शन बी जणकर लाभ बेले अन्य जणकर क्षति ऑप्शन सी अधिक आशा करथुबा व्यक्ति को अल्प मिलिबा ऑप्शन डी दृढ़ वचन बा आश्र वचन कहार पुषमास कहार सर्वनाश एही लोकवाणीटीर अर्थ होउछि ऑप्शन बी जणकर लाभ बेले अन्य जणकर क्षति सेइटा होउछि कहार पुषमास तो कहार सर्वनाश ऑप्शन ए संकुचित परिवेश रे बढ़ीतिबा व्यक्ति एही अर्थ प्रकाश करथुबा लोकवाणीटी हिजिव कूप मंडूक ऑप्शन सी देखंतु अधिक आशा करथुबा व्यक्ति को अल्प मिलिबा एही अर्थ प्रकाश करथुबा लोकवाणीटी हिजिव अट मुहरे जीरा ऑप्शन डी देखंतु दृढ़ वचन बा आश्र वचन एही अर्थ प्रकाश करथुबा लोकवाणीटी हिजिव कवि तुंड मेंढा मुंड सेइटा होची दृढ़ वचन बा आश्र वचन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 देखंतु गंगा राज्य सिंध हिमालयस एहार ओडिया अनुवादटी कोन ऑप्शन ए गंगा हिमालय रे उठी अछि ऑप्शन बी गंगा हिमालय रु बाहरी अछि ऑप्शन सी गंगा हिमालय रे बही अछि
ऑप्शन गंगा हिमालय रे उदय होइछि। यार करेक्ट आंसर टे हिजिबा ऑप्शन बी गंगा हिमालय रो बाहरी अछि। ऑप्शन ए देखंतु गंगा हिमालय रो उठी अछि हेबा नाही गंगा हिमालय रो बाहरी अछि हेबा। ऑप्शन ए एलिमिनेट हे गला। ऑप्शन सी देखंतु गंगा हिमालय रे बही अछि हेबानी सेथिपे ऑप्शन सी एलिमिनेट हे गला। ऑप्शन डी देखंतु गंगा हिमालय रे उदय होइछि मध्य हेबा नाही सूर्य जदि देइथांता ताहाले हेइथांता। ऑप्शन डी मध्ये एलिमिनेट हिजिबो। एहार करेक्ट आंसर टी सेथिपे ऑप्शन बी हेगला गंगा हिमालय रु बाहरी अछि। गंगा राइजेस इन द हिमालयस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 22 निम्नक्त मध्ये रु गाभीर प्रतिशब्द केउटी। ऑप्शन ए जाह्नवी, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी अद्री, ऑप्शन डी सुरला। रोहिणी रोहिणी होउचे गोटे गाभीर प्रतिशब्द, गाभी होउचे गाय। ओके ऑप्शन ए देखंतु जाह्नवी, जाह्नवी होउचे गंगार प्रतिशब्द। ऑप्शन सी देखंतु अद्री, अद्री होउछि पर्वतर प्रतिशब्द। ऑप्शन डी देखंतु सुरलक, सुरलक होउछि स्वर्गर प्रतिशब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित मध्यरु केउटी विसर्ग संधिर उदाहरण। ऑप्शन ए श्रेयस्कर, ऑप्शन बी कनिष्ठ, ऑप्शन सी यथेष्ट, ऑप्शन डी परोपकार। से क्वेश्चन देछि विसर्ग संधिर उदाहरण तो आमे सब ऑप्शन उडीकर संधि विच्छेद कर देबा जहा फलरे आंसर टी आमे पाई परिबा। ओके ऑप्शन ए देखंतु श्रेयस्कर, श्रेयस्कर को संधि विच्छेद कले हिजिबो श्रेय युक्त कर मिसिले हिजिबो श्रेयस्कर। तहले यार करेक्ट आंसर टी आपण माने जानि परछंती यार करेक्ट आंसर टी हिजिबो ऑप्शन ए श्रेयस्कर होउछि गोटे विसर्ग संधिर उदाहरण हिजिबो। ऑप्शन बी देखंतु कनिष्ठ, कनिष्ठ को संधि विच्छेद कले हिजिबो कनु युक्त इष्ठ मिसिले होउछि कनिष्ठ हिजिबो। एतार कोनोसी ट्रिक नाही आपण मानको मने रखै पई पडिबो कनु शब्द सहित जेतेबेले इष्ठ प्रत्यय मिसि जायथाय सेतेबेले कनिष्ठ शब्द टी गठित होइथाय। ऑप्शन सी देखंतु यथेष्ट, यथेष्ट को संधि विच्छेद कले हिजिबो यथा युक्त इष्ट मिसिले हिजिबो यथेष्ट। ऑप्शन डी देखंतु परोपकार, परोपकार को संधि विच्छेद कले हिजिबो पर युक्त उपकार सेटा होउछि परोपकार इंपोर्टेंट मन रखिनेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 24 इट इज क्वार्टर टू 11 एहार ओडिया अनुवाद टी कोन। ऑप्शन ए 11:15 होईछि, ऑप्शन बी 15 मिनिट परे 11:00 हबो, ऑप्शन सी 11:00 परे घर पड़िवा, ऑप्शन डी 15 मिनिट आगरु 11:00 बाजिला। एहार ओडिया अनुवाद टी हिजिबो ऑप्शन ए 11:15 होईछि सेइरा होउछि इट इज क्वार्टर टू 11। ऑप्शन बी हेबनी 15 मिनिट परे 11:00 हबो हबनी क्वार्टर टू 11 माने 11:15 होईछि। ऑप्शन सी 11:00 परे घरे पड़िवो हबनी, ऑप्शन डी 15 मिनिट आगुरु 11:00 बाजिला से मध्ये हेबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 देखंतु आलस्य स्वभाव जहार से कष्ट पाए वाक्यटी संक्षेपरे कोन हेबो। ऑप्शन ए आलस्य स्वभाव कष्ट पाए, ऑप्शन बी अलसुआ कष्ट पाए, ऑप्शन सी आलस्य कष्ट पाए ना ऑप्शन डी जहार आलस्य अछि से कष्ट पाए। एहा को संक्षेपरे कले हिजिबो ऑप्शन बी अलसुआ कष्ट पाए सेटा होछि आलस्य स्वभाव जहार से कष्ट पाए ताकु संक्षेपरे कले हिजिबो अलसुआ कष्ट पाए। ऑप्शन ए आलस्य स्वभाव कष्ट पाए हेबनी, ऑप्शन बी आलस्य कष्ट पाए हेबो नाही किंबा ऑप्शन डी जहार आलस्य अछि से कष्ट पाए मध्ये हेबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 देखंतु साधुता - वाचक विशेष्य पद। ऑप्शन ए नामवाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी वस्तुवाचक ना ऑप्शन डी केउटी नुहे। साधुता होछि गोटे गुणवाचक विशेष्य पद हिजिबो ऑप्शन बी होछि यार करेक्ट आंसर गुणवाचक विशेष्य पद। साधुता एक गुण को सूचित करछि सेथिपई ये होछि गोटे गुणवाचक विशेष्य पद हेगला। ऑप्शन ए नामवाचक विशेष्य हबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 27 ऑन द टॉप ऑफ दैट हिल लाइफ से हर्मिट एहार ओडिया अनुवाद टी कोन। हर्मिट रो अर्थ होची जो माने की एकांतरे बास करथांते स्पेशियली रिलीजियस रीजन्स पाई जो माने की एका किबा एकांतरे बास करथांते से मानको हर्मिट वाली कुहा जायते। ऑप्शन ए देखंतु एही पहाड़ ऊपर गोटिए तपस्वी रहंती, ऑप्शन बी एही पर्वत शिखर रे जणे भिक्षु घर करी रहुछंती, ऑप्शन सी सेही पहाड़ शिखर रे जणे सन्यासी रहंती, ऑप्शन डी सेही पहाड़ शीर्ष रे जणे सन्यासी बास करंती। एहार करेक्ट आंसर टी हिजिबो ऑप्शन डी सेही पहाड़ शीर्ष रे जणे सन्यासी बास करंती। ऑप्शन ए हेबनी एही पहाड़ शिखर रे गोटिए तपस्वी रहंती हेबनी, ऑप्शन बी हेबनी एही पर्वत शिखर रे जणे भिक्षु घर करी रहुछंती हेबनी, ऑप्शन सी मध्ये हेबनी काहेकि ना देखंतु सन्यासी रे स्पेलिंग भूल देछि। एहार करेक्ट आंसर टी हिजिबो ऑप्शन डी सेही पहाड़ शीर्ष रे जणे सन्यासी बास करंती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 देखंतु ऋण द्वारा ग्रस्त एक पदरे प्रकाश कले कोन हेबो। ऑप्शन ए ऋणग्रस्त, ऑप्शन बी ऋणग्रस्त, ऑप्शन सी ऋणगस्थ, ऑप्शन डी ऋणगस्थ। ऋण द्वारा ग्रस्त एक पदरे प्रकाश कले हिजबो ऋणग्रस्त, ऑप्शन ए होउछि यार करेक्ट आंसर ऋणग्रस्त हेबो मन रखिबे। ऑप्शन बी ऋणग्रस्त हेबनी,
ऑप्शन सी ऋण ग्रस्त हबनी किंबा ऑप्शन डी ऋण ग्रस्त मध्य हेबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 देखंतु बहुलोकरी मूसा मारी हुए नाही एही लोकवाणीटीर अर्थ कण ऑप्शन ए बहुत लोक देखी मूसा खसी जाए ऑप्शन बी मूसा मारिबा पई बहुत लोक अनावश्यक ऑप्शन सी बहुत लोक केबे मूसा मारी पारंती नाही ऑप्शन डी बहु लोक एकाठी हेले सेमानकर भिन्न भिन्न मत जोगु कौनसी निष्पत्ति निया जाई पारे नाही। यार करेक्ट आंसर हि जीव ऑप्शन डी बहु लोक एकाठी हेले सेमानकर भिन्न भिन्न मत जोगु कौनसी निष्पत्ति निया जाई पारे नाही सेटा होची बहु लोकरे मूसा मारी हुए नाही। ऑप्शन ए बहुत लोक देखि मूसा खसी जाए हेबनी ऑप्शन बी मूसा मारिबा पई बहुत लोक अनावश्यक हेबनी ऑप्शन डी बहुत लोक केबे मूसा मारी पारंती नाही मध्य हेबो नाही। नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 30 आज मॉक टेस्ट आजर मॉक टेस्ट लास्ट क्वेश्चन भिन्न शब्दटी चिन्हट कर ऑप्शन ए राजीव ऑप्शन बी सारस ऑप्शन सी अरविंद ऑप्शन डी बाजी। तले ई चारटी ऑप्शन मधुरु भिन्न शब्दटी कोन हिजिबो भिन्न शब्दटी हिजिबो ऑप्शन डी बाजी। बाजी होउछि घोड़ार प्रतिशब्द किंतु ऑप्शन ए राजीव ऑप्शन बी सारस एवं ऑप्शन सी अरविंद एमाने होउछन्ति गोटिए गोटिए पद्मर प्रतिशब्द सेथिपई ऑप्शन डी एमानक थारु भिन्न हेगला। ओके मु आशा करूछि आज मॉक टेस्ट को आपण माने भल भाव में बुझी पार्थिबे जदि आपण मानको मॉक टेस्ट भल लागथे भल लागथे प्लीज गोटे गोटे निहाती लाइक करंतु चैनल को शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब मध्य करिनियंतु आगो को आमे बहुत क्वेश्चन एही परि भाव में प्रैक्टिस करिबा। ओके थैंक यू।